ओरे माझी ओ मेरे माझी। If you ask me, I'll say it is one of the richest voices I have ever heard in my life. A voice that straight away penetrates you inside, you know. And my father used to say also that it was a golden voice. Sachinda's voice was golden, molten gold. Molten gold. Molten gold. He would say, at times my father would just phone Sachinda and sometimes go into long chats. But his phoning was only to hear that first hello, which came right from within. And my father used to, after a phone talk, he would just keep the phone and think for some time and then tell us that what a hello. बस ये hello सुनने के लिए मैं कभी कभी उनको phone करता हूँ कि वो ऐसे golden voice है, ऐसे आता है जैसे धरती के अंदर से आवाज आ रहा है. And sometimes Dada used to call my father and said and would say hello Nikhil. That hello Nikhil, that was a voice which was so unique. My father used to say पहचान तो आइडेंटिफाई तो इमीडिएटली हो जाता था, बट उस क्वालिटी का वॉइस उन्होंने कहा कि शायद ही कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में वो वॉइस सुना. अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे छाया दे रे तुई. अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे छाया दे रे तुई. अल्लाह मेघ दे. आसमान होइलो टुडा टुडा, जमीन होइलो खाडा. आसमान होइलो टुडा टुडा, जमीन होइलो खाडा. मेघराजा घुमाया रोइछे मेघ दी बतर केटाय. अल्लाह मेघ दे, पानी दे छाया दे रे तुई. अल्लाह मेघ दे. मेघ दे, पानी दे छाया दे रे तू. रामा मेघ दे, श्यामा मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे छाया दे रे तू. रामा मेघ दे, आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा. पंडित नैन घोष जी, नमस्कार. नमस्कार.
अच्छा, आपसे पूछना था दादा के आवाज़ के बारे में। उस आवाज़ की कंपैरिजन की जाती है जवारी जो सितार में होती है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ा, किसी ने कहा कि सितार में जो जवारी होती है, जवारी यानी रिचनेस ऑफ साउंड जी, तो उसके साथ सचिन देव बर्मन जी का वॉइस को कंपेयर किया है। मैं तो ये कहूँगा कि सितार में जो जवारी होती है जी, वो जवारी यानी सितार में एक एक्स्ट्रा एको सस्टेन देने वाला कुछ तार होते हैं नीचे की तरफ, वो मिलाया जाता है, अच्छे से मिलाया गया, तो जब मेन तार पे हम बजाते हैं तो एक एको जैसा आता है, वो और भी इलोंगेट होता है, वो नोट और भी लंबी हो जाती जी, और एक रिचनेस आता है। तो शायद उसके साथ वो कंपैरिजन किया होगा, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कि एसडी साहब के वॉइस को किसी इंस्ट्रूमेंट से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो काफ़ी ऊंचे दर्जे का वॉइस था, और वो जैसे ऊपर वाले ने काफ़ी इत्मीनान से उनका वॉइस बनाया होगा, और दोबारा ऐसे नहीं बनाया। वो जो रिचनेस था उनके वॉइस में, ये ऐसा उनके वॉइस के बारे में मैं कहूँगा, किसी इंस्ट्रूमेंट से कंपैरिजन नहीं, बहुत ही उम्दा एक वॉइस क्वालिटी, टेक्सचर, टोनल क्वालिटी, जो रिचनेस था वो बस उन्हीं का ही था बस। थैंक यू, थैंक यू।